हेलो दोस्तों, मोबाइल में पीसी सॉल्यूशन आपका स्वागत है। आज हम लोग सैमसंग जे फाइव प्राइम का, जिसका मॉडल नंबर है जे फाइव प्राइम, इसका दोस्तों फिंगरप्रिंट लॉक खोलना सीखेंगे। इसका फिंगरप्रिंट लॉक यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट लॉक दिया हुआ है। इसका क्या पता क्या फिंगरप्रिंट लॉक है, देखिए नो मैच लिखा रहा है बार बार। तो इसका फिंगरप्रिंट लॉक खोलने के लिए सबसे पहले मैं अपना मोबाइल का रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट करने के बाद जब आपका मोबाइल का स्क्रीन पूरा ब्लैक हो जाए, उसी समय वॉल्यूम प्लस पावर एंड होम की दबाना है। वॉल्यूम प्लस पावर एंड होम की, उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी जब लिखा आ जाए छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद सिंपली मोबाइल रख दीजिए, कुछ देर वेट करिए। वेट करने के बाद आपके सामने कुछ नया इंटरफेस खुलेगा, फिर मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर कुछ स्टेप का इंटरफेस आ गया है, अभी भी हमको वेट करना पड़ेगा। देखिए वेट करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ गए हैं, हमें जाना है वाइप डाटा एंड फैक्ट्री रिसेट में। बोलिए माइनस दबाकर वाइप डाटा एंड फैक्ट्री रिसेट में, देखिए पहुंच गए। आप पावर बटन प्रेस कर दीजिए, इसके बाद फिर से नीचे वॉल्यूम माइनस दबाइए, फिर यस करके फिर पावर बटन प्रेस कर दीजिए। इस प्रोसेस से हमारा पिन लॉक, पैटर्न लॉक या हार्ड रिसेट कोई भी लॉक हो खुल जाएगा। अब इसके बाद फिर रिबूट सिस्टम नाउ पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद आपका सिस्टम रिबूटिंग हो रहा है, तब तक कुछ देरी के लिए वेट करते हैं। देखिए सैमसंग जे फाइव प्राइम लिखा आ चुका है, लेकिन अभी हमको वेट करना पड़ेगा। देखिए इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन लिखा आ चुका है, अभी भी हमको वेट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, एग्री टू ऑल करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ जस्ट ए सेकंड लिखा गया, फिर नेक्स्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नो थैंक्स पर क्लिक करना है, फिर स्किप करना है, फिर स्किप एनीवे, फिर स्किप, फिर फिनिश, फिर लेटर। देखिए दोस्तों इस प्रोसेस से हमारा पैटर्न लॉक बिल्कुल फोकट का खुल गया, विदाउट बॉक्स, बिना कोई बॉक्स का हमारा पैटर्न लॉक खुल गया है। दोस्तों यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट देना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।